हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गए और मैं भी ठीक हूँ, क्योंकि मैंने 14 डेज़ तक यूट्यूब से ब्रेक लिया था और मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को रीज़न बता दूँ कि मेरे फेस पे थोड़ा बहुत ये हो गया है साइड इफ़ेक्ट किसी क्रीम का और मुझे मालूम नहीं है। जैसे ही मुझे इसका असर थोड़ा बहुत दिखना स्टार्ट हुआ, वैसे मैंने उस क्रीम को स्टॉप कर दिया, लेकिन अभी देख सकते हो थोड़ा बहुत मेरा फेस नॉर्मल है। तो इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। और आज का टॉपिक है, थंबनेल देख के तो आप पता चल ही गया होगा, आज का टॉपिक मैं आप लोग को बताऊंगी। जैसे कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें कोई चीज़ ऐसा होता है कि खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और किसी किसी चीज़ की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है। तो अगर आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो, तो अगर वीडियो पूरा देख लेते हो, तो आज और अभी आप लोग को पता चल जाएगा कि आपके गर्भ में पलने वाला नन्हा शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है आपका। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ बिना देरी किए, और आपको बताती हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अगर पसंद नहीं है, उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती है, तो आपके घर में क्या पल रहा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जब नॉर्मल होते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत बड़े हो जाते हैं, तो चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, अलग अलग खुशबू उनको आकर्षित करती है। जैसे कि हम गर्ल्स के एग्जांपल में बताती हूँ, गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पेंट की खुशबू बहुत पसंद है। जैसे कि कोई नया घर पेंट हो रहा हो, उसके सामने से अगर हम गुजर गए तो उसकी खुशबू हमें बहुत अच्छी लगती है। और सेकेंड नंबर पर आता है पेट्रोल, ज़्यादातर लड़कियों को पेट्रोल की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और थर्ड नंबर पर आता है मिट्टी का खुशबू, जैसे ही बरसात होती है या कहीं मिट्टी ऐसा है जहाँ पे बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, तो हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। वहीं अगर बात करें बॉय लड़के की, तो वो लड़कों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। चाहे जितनी भी चीज़ें लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है, उतनी चीज़ें लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये फैक्ट है। तो आज मैं आप लोग को बताऊँगी कि अगर आपके गर्भ में लड़का है तो क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी, उसका स्मेल बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगा। तो फर्स्ट नंबर पर आता है, जैसे ही आप किचन में जाते हो तो आपको कोई बोलता है कि दाल बना दो या दाल में तड़का लगा दो, तो उसकी खुशबू हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। हमें मन करता है कि कोई हमें बोले ही ना दाल बनाने को या दाल में तड़का लगाने को। जैसे कि राई, सरसों, जो सरसों का स्मेल होता है जब हमारे पेट में लड़का होता है, तो जो सरसों का स्मेल होता है वो बिल्कुल भी लड़कियों को पसंद नहीं आता है, महिलाओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सेकेंड नंबर पर आता है जीरा, जीरे की खुशबू, जब हमारे गर्भ में लड़का पल रहा होता है तो जीरे की खुशबू हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो मैं आप लोग को फैक्ट बता दूँ कि इसमें बहुत सारा केस ऐसा होता है कि अगर आपको खुशबू पसंद नहीं आ रही है तो लड़की भी हो जाती है, अगर पसंद आ रही है तो लड़का भी हो जाता है। जब हम चने की दाल बना रहे होते हैं तो जब उसका सीटी लगता है तो वो स्मेल हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। जब मेरे घर में एक मेरी दीदी हैं, बड़ी दीदी हैं, उनको एक लड़का कंसीव हुआ था, और जब भी वो किचन में जाती थी, चने का दाल बनाती थी, जब भी वो सीटी लगता था चने में, तभी उनको वोमिटिंग होने लगती थी। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपके घर में लड़का है तो आप चने का दाल बना रहे हो या चने के दाल में तड़का लगा रहे हो, तो जब भी उसका खुशबू आपके नाक में जाएगा ना, तभी आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको वोमिटिंग हो सकती है। तो ये बिल्कुल भी सटीक नहीं है, मगर ऐसा होता है, बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है कि अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है तो लड़का हो सकता है। और मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ, अगर आपको धनिया की खुशबू, और सेकेंड नंबर पर आता है क्या बोलते हैं उसको, इलायची और धनिया, ये दो चीज़ें अगर आपको बिल्कुल भी स्मेल उसको उसकी अच्छी नहीं लग रही है, धनिया की स्मेल आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, तो हो सकता है कि आपको एक लड़का होने वाला है। वहीं अगर आप कोई फूड खा रहे हो या कोई मीठा खा रहे हो, मीठा में अक्सर देखा गया है कि इलायची का खुशबू रहता ही है, तो अगर आपको वो मिठाई नहीं पसंद है इलायची की खुशबू की वजह से, तो हो सकता है आपको एक लड़का कंसीव हुआ है। और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो बहुत पुराने समय से
देखते सुनते आ रहे हैं, वो ये भी बोलते हैं कि अगर आपने एक लड़के को कंसीव किया है तो हो सकता है कि आपको मीठा खट्टा नमकीन ज़्यादा खाने को मन करे, मतलब ज़्यादा आप उन फूड की तरफ आकर्षित हो, तो हो सकता है आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। जैसे कि मैंने ये सारे फैक्ट्स आप लोग के साथ शेयर किए, इनमें से अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, मतलब आपको कुछ स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है अगर आप प्रेग्नेंट हो, तो मेरे साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको किस चीज़ की खुशबू बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है और किस चीज़ की खुशबू आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन प्रेस करना है ताकि मेरी न्यू अपडेट मिलती रहे। आज से मैं डेली वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूंगी और मैं गैप नहीं रखूंगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गैप कर दिया है। मैं आप लोग से सॉरी बोलती हूँ कि मैंने इतना दिन के बाद वीडियो पोस्ट किया, तो अगर आप लोग चाहते हो इसी टॉपिक पर और भी ज़्यादा वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा और बहुत सारा प्यार दीजिए ताकि मेरी मुझे अंदर से मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसी वीडियोस और आप लोग के साथ शेयर करूं। तो मिलती हूं ऐसे ही प्यारी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए और किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताइए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू फ्रेंड।